रोशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सोलन के डेंटल कॉलेज टटूल में छात्र अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा स्टाफ को निकाला जा रहा है, जिससे कॉलेज बंद होने की कगार पर है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। वहीं छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन उनके साथ भेदभाव करने और स्टाइपेंड भी नहीं दिए जाने के आरोप लगाए हैं, जिस वजह से उन्हें आज मजबूर होकर हड़ताल पर बैठना पड़ा। उन्होंने प्रबंधन से मांग की है कि जल्द से जल्द टीचिंग स्टाफ को बहाल किया जाए, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ फाइनल ईयर की। ये हमारा फाइनल ईयर है, बहुत क्रूशियल टाइम है स्टडीज का, और इसमें हमारे को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हमारे तीन टीचर जा चुके हैं। पहले डिपार्टमेंट में ऑलरेडी हमारा HOD जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो जा चुके हैं। अब हमारे दो टीचर और चले गए हैं, और फिर डिपार्टमेंट एंड OS डिपार्टमेंट ओरल सर्जरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नए टीचर्स के साथ मैनेज नहीं कर सकते। ये हमेशा हमें वादा देते हैं कि हमारे नए टीचर आ जाएंगे, पर कभी आए नहीं आज तक। ना ही हमें फर्स्ट ईयर में टीचर मिले, ना ही हमें सेकेंड ईयर में, और ऐसे ही हम फाइनल ईयर में आ गए। और फाइनल ईयर में अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये हमारी डेंटल सब्जेक्ट और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिप्रेजेंटेटिव इंटर्न्स की, और यही चीज हुई थी हमारे साथ भी। हमारे OS के डिपार्टमेंट, हमारे PDO और ऑर्थो डिपार्टमेंट के HODs ही नहीं है, और सबसे क्रूशियल टाइम है सीखने का इंटर्नशिप पे। और एक भी MDS ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में अभी हमारे पास है नहीं। दूसरी बात, टीचर्स हमारे पास ना, हमारे पास एनाटमी का फर्स्ट ईयर में था, जो इनके साथ हुआ वो हमारे साथ बहुत पहले से हो चुका है। बात हमने कभी नहीं उठाई, आज उठाई है, और हम चाहते हैं हमारी बात आगे तक। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो सोलन। डॉक्टर KDI's हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।